हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 अलजेब्रा का। और दोस्तों इसके पहले का एक्सरसाइज हो चुका है, अगर आपने देखा नहीं हुआ तो प्लीज उसको जाके देख ले, क्योंकि अगर ये एक्सरसाइज तभी समझ में आएगा जब पीछे वाला एक्सरसाइज आपको आता होगा अच्छे से, तो ये एक्सरसाइज में मजा आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने प्यार की बरसात करें दोस्तों। एंड थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आपके सपोर्ट एंड प्यार की हमें जरूरत है, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए क्या है, एक एनर्जी ड्रिंक है दोस्तों। ओके, तो प्रैक्टिस सेट 3.2 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट 3.2 का जो क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। मतलब आपको बॉक्स दिया हुआ है, आपके टेक्स्टबुक में आपको बॉक्स दिया हुआ है दोस्तों। मैं ये क्वेश्चन आपको आता ही होगा, इसीलिए मुझे तो ये चाहिए था कि मैं आपको छोड़ दूं, पर मैं कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा, इसलिए ये भी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा नहीं कि करने के लिए। आप अगर आपको ये आता होगा दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर में क्या फाइंड करना है, गिवन जो बॉक्स में जो दिया हुआ है, बॉक्स जो दिया उस बॉक्स के सभी आंसर को फिलअप करना है। तो मैं पूरा ही आंसर कर देता हूँ आपको, जो भी उसके अंदर बॉक्स में दिया हुआ आप उसको क्या करना, फाइंड करके उसमें लिख देना दोस्तों बॉक्स के हिसाब से, क्यों बॉक्स ही फिलअप करना। मैं आपको सॉल्व करके डायरेक्ट दे रहा हूँ। तो दोस्तों डायरेक्टली, क्योंकि बॉक्स दिया इसलिए मैं कुछ लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट ही करूंगा। ए या टी वन, या तो ए फर्स्ट हमको बोला जाता है या टी वन बोलो, तो हमारा वन है। ओके, एंड सेकेंड टर्म इक्वल टू 8, थर्ड टर्म इक्वल टू 15 एंड फोर्थ टर्म इक्वल टू 22। ओके, देन अगेन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। देन हम फाइंड करेंगे T2 - T1। डी भी हमें फाइंड करना है, ए तो हमने फाइंड कर लिया, आपके बॉक्सेस बॉक्स में जो फिल करना है वो यही सब फिल करना है। फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, T1, T2, 3T, फिर इसका माइनस कर दिया हुआ है उस बॉक्स को माइनस करके लिखना है, फिर इसके बाद आपको डिफरेंस लिखना है। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट से फाइंड कर देना, बॉक्स में फिलअप कर देना। T2 - T1, T2 8 - 1। ओके, 8 - 1 - 7 एंड द सेकेंड T3 - T2 when 15 - 8 we get 7 again T4 - T3 T4 value of T4 is 22 and the value of T3 15 22 - 15 we get 7 क्या मिलेगा अपने को 7। ओके, एंड अब आपको चाहिए तो मैं फिर से लिख के दे रहा हूं, ए की वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे लिए 1, जो फर्स्ट टर्म होता है 1, एंड डी हमारे लिए कॉमन डिफरेंस कितना 7। तो दोस्तों ये लिख लिया, बॉक्स को फिलअप कर लेना। अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 3 6 9 12। अब 3 6 9 12 अब करेंगे सेम टू सेम, इसमें भी ए एंड टी वन ये हो जाएगा हमारा 3, या तो ए बोलो या तो फर्स्ट टर्म को टी वन बोलो। एंड द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म 6, थर्ड टर्म 9, फोर्थ टर्म 12। ओके, अब दोस्तों एक एक करके माइनस करेंगे, T2 - T1, T2 6 - T1 3, देन 6 - 3 3, आगे T3 - T2, T3 वैल्यू कितना है 9, एंड 9 - 6 कितना आएगा 3। आगे और फाइंड करना है तो फाइंड कर लो, वैसे बॉक्स में जितना दिया होगा उतना ही फिलअप करना, ज्यादा एक्स्ट्रा मत भरने चला जाना, ये तो मैं आपको करवा रहा हूँ, आपका प्रैक्टिस थोड़ा एक बार और हो जाए। T4 - T3 वैल्यू ऑफ T4 12 एंड T3 9। ओके, देन सेम 3 लास्ट में आप लिख दो, A इक्वल टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस 3। ओके, फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस सेम एज अ 3। ओके, एंड फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। थर्ड क्वेश्चन -3 - 8 - 13 and - 18। ओके, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस A = -3, या तो आप A लिखो या T1 लिखो, -3। सेम T2 - 8
T3 माइनस 13 एंड T4 माइनस 18, ओके, देन माइनस करेंगे T2 माइनस T1, वैल्यू ऑफ T2 माइनस 8 माइनस वैल्यू ऑफ T1, ओके, देन आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 8 माइनस माइनस प्लस, ओके, देन प्लस माइनस माइनस 5, 8 माइनस 3 5, एंड द साइन ऑफ बिगर नंबर इज माइनस, देन यहां हम लगा देंगे माइनस, देन अगेन T3 माइनस 13, T3 माइनस 13 माइनस एंड माइनस 8, ओके, माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस 13 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एंड ये 13 माइनस 8 5 एंड द साइन ऑफ बिगर नंबर इज माइनस, देयरफॉर हमने यहां क्या लिखा है माइनस 5, ओके। अब आगे T4 माइनस T3, T4 कितना दोस्तों माइनस 18, देन माइनस T3 कितना है माइनस 13, देन माइनस माइनस प्लस एंड 13, 18 प्लस 13 कितना 88, प्लस माइनस माइनस 18 माइनस 13 दोस्तों कितना आ जाएगा माइनस 5, ओके, देन आपको चाहिए तो लिख दो, ए इक्वल टू कितना है 3 एंड डी इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, डी इक्वल टू माइनस 5, कॉमन डिफरेंस माइनस 5। मेरे ख्याल से और क्वेश्चन नहीं दिया, नहीं एक और दिया होगा वो भी कर देता हूं मैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ ये मार्कर चल नहीं रहा है हमारा, 70 60 50 40 डॉट, ओके, देन फर्स्ट वन इज 70, या तो ए इक्वल टू T1 लिखो, दोनों लिख दिया मैंने 70, T2 कितना होगा 60, T3 कितना हो जाएगा 50 एंड T4 कितना हो जाएगा दोस्तों 40। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं इसलिए फटाफट लिख रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में किया हुआ, इसलिए इसको मैं फटाफट लिख रहा हूँ, ओके, तो ये हो गया हमारा। अब फाइंड करेंगे T2 माइनस T1 60 माइनस 70, ओके, 60 माइनस 70 कितना आएगा माइनस 10, T3 माइनस T2 T3 50 माइनस 60 सेम एज माइनस 10, देन T4 माइनस T3 40 माइनस 50, ओके, सेम माइनस 10 प्लस माइनस माइनस 50 माइनस माइनस गया 40, तो कितना बचेगा 10 बचेगा, साइन बिगर नंबर का क्या माइनस का, तो दोस्तों ये आ जाएगा D इक्वल टू माइनस 10 एंड A इक्वल टू दोस्तों 70। तो दोस्तों ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का हो गया। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है दोस्तों, पता नहीं क्यों लोग डरते हैं, मैं करवाऊंगा, बहुत सिंपल है, टेंशन मत लो। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूं, क्वेश्चन क्या दिया हो, राइट एन एपी, एक मिनट क्वेश्चन अलग पढ़ने लगा, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड 20 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। मतलब हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ, हमें क्या दिया हुआ दोस्तों, एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ये सीक्वेंस -12 -5 -2 -9 -16 -23 -30, पहले हमें ये डिसाइड करना है कि ये एपी है कि नहीं। और आपको पता है ये कैसे डिसाइड किया जाता है, सेकेंड टर्म को उसके पहले वाले टर्म के साथ माइनस करते जाओ, अगर कांस्टेंट डिफरेंस आ गया तो हम बोलेंगे कि गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। सबसे पहले हम ऐसे ही चेक करेंगे क्योंकि हमें बोला हुआ है डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, एपी है कि नहीं वो मुझे क्या करना है दोस्तों, फाइंड करना है। तो दोस्तों मैं उसको कैसे फाइंड करूंगा, आगे वाले टर्म को पहले वाले टर्म के साथ क्या करते जाऊंगा, माइनस करते जाऊंगा, अगर कॉन्स्टेंट डिफरेंस आ गया तो मेरा एपी है, और कॉन्स्टेंट डिफरेंस नहीं आया तो दोस्तों एपी नहीं है, हो गया, ओके। आगे फाइंड द 20 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, ये आपके लिए नया है दोस्तों, अगर एपी है तो ऐसे ही चल के 20th नंबर की डॉट 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 है, तो ऐसे ही चल के, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ऐसे ही करके 20th नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, मतलब ये कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th नंबर पे, तो दोस्तों ऐसे ही 20th नंबर पे कौन सा नंबर आने वाला है, 20th नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, ये हमें क्या करना है, अभी हमें पूछा हुआ है कि 20th नंबर पे कौन सा नंबर है, इसे आपसे पूछूं मैं 7th नंबर पे कौन सा है,
तो आप बोलोगे 30 है सर, 6 पे बोलूंगा तो 23 है, अगर नंबर 1 2 3 4 5 6 हाँ, अगर 6 पे बोलूंगा तो आप बोलोगे 23 है, फर्स्ट पे बोलूंगा तो बोलोगे 12 है। तो ऐसी दोस्तों 20th नंबर पे कौन सा नंबर है, पर ये कब होगा जब ये एपी है, तो हम पहले फाइंड करेंगे एपी है कि नहीं, अगर एपी होगा तो उसके लिए एक फॉर्मूला है ऐसा नंबर फाइंड करने की, 20th नंबर, 30th नंबर, 40th नंबर, 100th नंबर, ऐसे फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, उससे डिसाइड करके आप फाइंड कर सकते हो दोस्तों, बहुत सिंपल है। तो चलो स्टार्ट करता हूं मैं, सबसे पहले सेम सबसे पहले एपी मुझे फाइंड करने के लिए वैसे ही लिखना पड़ेगा, कैसे लिखूंगा, T1 इक्वल टू -12, T2 इक्वल टू -5, T3 इक्वल टू 2, T4 इक्वल टू 9, T5 इक्वल टू 16, T6 इक्वल टू 23, T7 इक्वल टू 30। दोस्तों देखो कोई छूटा तो नहीं ना, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7। तो दोस्तों इतना हमने लिख लिया, अब हम चलते हैं आगे, माइनस करेंगे दोस्तों एक एक को, T2 माइनस T1, T2 को T1 से माइनस करो, T2 कितना है दोस्तों -5, बीच में माइनस का साइन, T1 कितना है -12, चलो माइनस करो, माइनस माइनस प्लस, वहाँ इधर करता हूँ जगह थोड़ा बचा लेता हूँ, प्लस माइनस माइनस दोस्तों, प्लस माइनस माइनस, 12 में से अगर मैं 5 माइनस करता हूँ तो दोस्तों कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7, ये हमने माइनस कर लिया। अब आगे चलते हैं, T3 माइनस किसके साथ करना है, T2, वैल्यू ऑफ T3 कितना है हमारा 2, बीच माइनस एंड T2 कितना दोस्तों -5, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों प्लस, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7। अब दोस्तों सब फाइंड करने की जरूरत नहीं दोस्तों, 3 फाइंड करो बहुत काफ़ी है, T4 माइनस T3, T4 कितना आएगा दोस्तों, T4 का है 9 और T3 कितना है 2, 9 माइनस 2 दोस्तों कितना आ गया, 9 माइनस 2 चलो लिखो 7, ओके तो हम लिखेंगे देखो 7 7 7 आ गया। आगे फाइंड कर, आगे अगर आपको फाइंड करना है तो फाइंड कर लो T5 माइनस T4, या इतना रखोगे 3 तक फाइंड कर लोगे तो भी चलेगा, अगर आपको फाइंड करने मजा आता है तो आप फाइंड कर सकते हो, कि इतना ही आता तो ऐसे ही करोगे। हियर डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, इसलिए क्या हो गया दोस्तों एपी हो गया, अगर डिफरेंस दोस्तों क्या है कॉन्स्टेंट, हियर डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, दोस्तों ये हमने लिख लिया। अब आगे लिखेंगे, अब हमें दोस्तों क्या फाइंड करना है, मैंने प्रूफ कर दिया कि ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है दोस्तों एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो अगर सब कांस्टेंट कांस्टेंट डिफरेंस है तो हम डायरेक्ट किसका फाइंड कर सकते, 20 टर्म पे कौन सा नंबर है दोस्तों। तो चलो लिखता हूं मैं, सबसे पहले ए तो मैंने लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं लिखा, चलो मैं फिर से लिख देता हूं, a इक्वल टू -12, a इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा -12, a इक्वल टू -12, डिफरेंस दोस्तों कितना है 7, ओके और हमें जो फाइंड करना है दोस्तों वो 20th टर्म फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है 20th टर्म, ऐसे 20 टर्म्स फाइंड करना है कि 20th नंबर पे कौन सा टर्म है, तो इसको ऐसे लिखते थे दोस्तों 20 टर्म्स पे कौन सा नंबर है, ये हमें क्वेश्चन मार्क है, ये हमें फाइंड करना है, तो कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला इसका है Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। दोस्तों याद रखो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए फॉर्मूला यही है, Tn इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट ओपन एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय डी, ओके। अब लिखूंगा सबकी वैल्यू पुट करता हूं, 20 टर्म्स तो ये लिख दिया 20th, ए कितना है दोस्तों -12 प्लस एन कितना है, एन यहाँ जो है वही तो एन है, एन तो 20th एन है, और डी दोस्तों कितना है 7, ओके तो मेरे ख्याल से आगे तो आप फाइंड कर सकते हो, 20th टर्म इक्वल -12, देखो ये एन मैंने क्या लिखा है, एन ये जो 20th नंबर फाइंड करना यही एन है, देखो यहां भी एन था तो ये भी एन वही है, ए प्लस 20 माइनस 1 19, क्योंकि ब्रैकेट पहले करते हैं 19 मल्टीप्लाई बाय 7। अब आगे माइनस 12
97 सा टेबल ना 97 सा 133 97 सा 133 और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 133 माइनस 12 वी गेट 121 20 टर्म्स क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा T20 इक्वल टू 121। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्या क्वेश्चन पूछा था 20 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन, तो हम लिख देंगे 20 टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन इज 20 टर्म पे कौन सा आएगा बताओ इज 121 मार्कर दिखाई नहीं दे रहा आपको दिखाता हूं इज 121 हो गया कि नहीं हो गया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन डन हो गया दोस्तों। सबसे पहले हमने एपी बता दिया, एपी की बोल रहा हूँ। एपी के बाद सिंपल फॉर्मूला क्या था, टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1डी, और हमने सबकी वैल्यू पुट करने के बाद हमने आगे सॉल्व कर दिया और हमारा आंसर आ गया दोस्तों। और 3 मार्क्स का क्वेश्चन डन हो गया। बताओ हार्ड था दो बार लिखो, बहुत हार्ड। ओके तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन क्या है, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 12 16 20 24 .. फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। तो दोस्तों ऑलरेडी देखो बहुत बार बच्चे गधा मजीरे बिना मतलब करते हैं, बिना मतलब दोस्तों अगर जो दिमाग वाले बच्चे होते हैं ना क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और उतना ही करते जितना क्वेश्चन दिया, बिना मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं, जितना एक्स्ट्रा करो जिसका हमें मार्क्स अच्छे से मिल सके, मार्क्स कम ना हो सके। तो दोस्तों यहाँ अगर आप ध्यान दोगे कि ऑलरेडी बोला हुआ गिवन एपी 12 16 20 24 ऑलरेडी बोला हुआ है कि ये एपी है, ऑलरेडी हमें बताया कि एपी है, इससे पहले क्वेश्चन हमसे पूछा था कि एपी है कि नहीं है, और यहाँ एपी ऑलरेडी दिया हुआ है, एपी ऑलरेडी दिया हुआ है। इससे पहले एपी पूछा था एपी है कि नहीं, हमने क्या किया सबको माइनस किया, माइनस करके वो स्टेटमेंट लिखा कि वो अगर कॉन्स्टेंट है तो एपी है, तो हमने बताया, पर इसमें ऑलरेडी बोला है कि एपी है, तो आप एपी फाइंड एपी बताने मत बैठ जाना, पहले पूरा सॉल्व करना फिर लिख देना एपी, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। तो पता है आपको जब ऐसा फाइंड करना तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1डी, यही फॉर्मूला होता है। हमें यही फाइंड करना है कि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि एपी है, हमें एपी ओपी नहीं फाइंड करना है दोस्तों, पहले बता रहा हूँ एपी है, बोला एपी है ओके। तो हमें फाइंड करना है 24th टर्म्स फाइंड करना है, तो इसके लिए जब भी ऐसा हो तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1डी। तो दोस्तों हमें इसके फार्मूले का जो रिक्वायरमेंट है वो हम सब फाइंड कर लेंगे, डी एक कोई भी माइनस करके देख लेंगे क्योंकि एपी है तो सबका डिफरेंस कॉन्स्टेंट ही आएगा, तो हम किसी को भी माइनस कर लेंगे, ये हमारा मिल जाएगा, ए हमारा जो पहला टर्म होगा वो मिल जाएगा, और टी एन हमारा क्या 24th टर्म्स, तो यहाँ भी 24 माइनस 1 हो जाएगा, तो हो गया। तो दोस्तों लिखता हूँ मैं, ध्यान देना, हियर सबसे पहले वो लिख लो टी वन इक्वल टू 12, टी टू इक्वल टू 16 एंड टी थ्री इक्वल टू 20 एंड टी फोर इक्वल टू 24। ओके दोस्तों और फाइंड करने की जरूरत नहीं, बस अब देखो हमें फॉर्मूले में डी चाहिए ना, हमें ऑलरेडी बोला हुआ है कि गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, तो लिख दो गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, इसीलिए डायरेक्ट ए की फाइंड कर लो क्योंकि सबका सीक्वेंस सेम ही होगा दोस्तों, तो डायरेक्ट आपको डी की एक जरूरत है कि फॉर्मूले में डी चाहिए, तो डी इक्वल जिसको आपको अच्छा लगे पहला ही फाइंड कर लेते हैं हम, टी टू माइनस टी वन एक को किसी को फाइंड कर लेंगे और वही लगा देंगे डिफरेंस, टी टू माइनस टी वन टी टू किधर है ये है टी टू 16 माइनस 12 ओके 16 माइनस 12 दोस्तों कितना बचेगा हमारा 4 ओके दोस्तों ये हमारा निकल गया। अब T2 माइनस T1 और यही हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों डिफरेंस, क्योंकि हम आपको पहले मैंने बता दिया कि हर टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो जो डिफरेंस आ रहा है वो हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमें बोला है कि एपी है, ये बात ध्यान से समझ लेना कि लिखा हुआ गिवन एपी मतलब एपी दिया हुआ है। तो दोस्तों डी निकल गया, ए हमारे पास ऑलरेडी है, ए किसको बोलते हैं इसी को ए बोलते हैं, तो हमारे पास सब कुछ है तो हम लोग फाइंड कर लेंगे, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी ओके
टीएन कौन सा टर्म फाइंड करना है, बोलो फटाक से कौन सा टर्म फाइंड करना है, 24th टर्म। चलो यहां लिखता हूं अपना जगह है इसमें, चलो फिर से फॉर्मूला लिखता हूं मैं टीएन, मैं फिर से लिख रहा हूं तो आप फिर से मत लिख देना, मैं आपके लिए लिख रहा हूं क्या दिखाई देगा, टीएन 24th, ए दोस्तों हमारा कितना 12, ये 24 है तो ये भी कितना 24, और डी डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया, डिफरेंस कितना है 4। ओके दोस्तों हो गया हमारा 24 माइनस 1 23, मल्टीप्लाई है इधर 4 3 12 4 2 8 8 1 9। ओके अब इसको प्लस कर दो 2 2 4 4 9 1 10। ओके तो हमारा दोस्तों ये आ गया 24th टर्म, अब लिखेंगे 24th टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज 104। क्या हार्ड है इसके अंदर, क्या हार्ड है इसके अंदर मेरे को बताओ बस, क्या हार्ड है, क्या हार्ड है भाई, हमने T1 फाइंड कर लिया, T2 फाइंड कर लिया, T3 फाइंड कर लिया, T4 फाइंड ऑलरेडी लिख दिया गिवन सीक्वेंस इज एपी। ओके ऐसे करने से हमें सबको माइनस करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमने एक किस जिस जो आपको अच्छा लगे T4 माइनस T3 कर दो, बस एक डिफरेंस निकाल लो क्योंकि हमें फॉर्मूले में डी के जगह पे डिफरेंस चाहिए, तो हमने निकाल लिया, हो गया। तो दोस्तों अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 3 4th। ओके चलो चलते हैं, तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4th भी बहुत सिंपल है, 19 टर्म ही फाइंड करना है दोस्तों। और पहले बता देता हूं, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ फाइंड 19 टर्म द फॉलोइंग एपी, ऑलरेडी एपी बोला हुआ है, तो फिर से बोल रहा हूं कि गलती मत करना, गलती मतलब गलती नहीं रहेगा बट बिना मतलब एक्स्ट्रा टाइम मत लगाना, ऑलरेडी एपी दिया है बस एक कोई डिफरेंस फाइंड कर लो, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से हमें डी चाहिए, इसलिए हम एक किसी को माइनस कर डी फाइंड कर लेंगे, और जो 19 टर्म लिखा है 19 टर्म पुट करके आंसर निकाल लेंगे और मार्क्स हमें मिल जाएगा। तो मार्क्स जल्दी जल्दी लो यार, लेट मत करो। चलो तो T1 मार्कर चेंज कर देते हैं हम आपके लिए, T1 इक्वल 7, T2 इक्वल 13, T3 इक्वल 19 एंड T4 इक्वल 25। ओके अब हमें डिफरेंस फाइंड करना है, तो डी मैंने डिफरेंस फाइंड करना, तो किसी को भी माइनस कर दो, ये मार्कर ने जवाब दे दिया दोस्तों। T2 माइनस T1, T2 कितना है दोस्तों 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 दोस्तों कितना बचेगा 6। ओके तो D हमारा आ गया दोस्तों, हमें D मिल गया, D इक्वल टू कितना आ गया 6। ओके अब हम फाइंड करेंगे दोस्तों, ये हमारा आ गया, लिख देते गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, एपी है तो दोस्तों ए इक्वल टू हमारा 7 आ गया फिर से। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूले, हमें चाहिए था D इक्वल टू कितना 6, और हमें दोस्तों कौन सा टर्म फाइंड करना, कौन सा टर्म 19 टर्म, मार्कर नहीं चल रहा यार, 19 टर्म। ओके अब दोस्तों लिखेंगे कैसे, लिखेंगे टी एन ए प्लस एन माइनस वन डी, तो दोस्तों टी एन कौन सा टर्म, बोलो कौन सा टर्म, 19 टर्म्स, ए कितना है हमारा 7, एन कितना है मेरा, ये देखो ये 19 है तो ये भी 19 होगा, और D कॉमन डिफरेंस मैंने एक को किसी को मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लिया, देन T ऑफ 19 7 प्लस 19 माइनस 1 18 इंटू 6। ओके अब तो मुझे पता है आपको सर, हमें सर 7 तक ही टेबल आता है सर, ज़्यादा 12 तक आता है सर, प्लीज सर बोलना मत, 7 प्लस 18 6 108। ओके अब दोस्तों 7 प्लस 108 ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 11 15 कितना होगा 15, और T19 हमें दोस्तों मिल गया। आप लिखोगे यहाँ लिख दोगे therefore, नहीं बस हमें इतना ही पूछा है, देन फाइंड द 19 टर्म लिख दो, नहीं तो लिख ही दो आप 19 टर्म ऑफ प्रोग्रेशन
प्रोग्रेशन इज 115 115 हो गया दोस्तों। क्या यार बताओ क्या हार्ड है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने बोला तो लास्ट, पर इसके बाद वाला लास्ट करते हैं, एक और कर लेंगे तो अच्छा लगता है। लास्ट लास्ट बोल के पूरा खत्म करवा दूंगा, इसके बाद लास्ट है पक्का पक्का। तो गोल है, अगर आपने अभी तक ध्यान दिया होगा तो ये आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। फाइंड द 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग, 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों सबसे पहले वही चीज हम लिख लेते हैं, t1 इक्वल टू 9, t2 इक्वल टू 4, t3 इक्वल टू -1 एंड t4 इक्वल टू 9, 4 -1 -6 एंड t5 इक्वल टू -11। 1 2 3 4 5 चेक करना बहुत जरूरी है दोस्तों। ओके अब दोस्तों आपको ऑलरेडी ये चीजें बार बार बता रहा हूँ, फाइनल 27 टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी है दोस्तों, एपी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो डिफरेंस क्या होगा, सबका कॉन्स्टेंट डिग्री होता है, एक किसी का भी डिफरेंस में, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूले के हिसाब से मुझे डी भी चाहिए, तो मैं एक किसी का डी फाइन कर लेता हूँ। डी इक्वल टू t2 - t1, किसी एक को भी आप जिसको चाहिए उसको करके फाइन कर सकते हैं। 4 - 9 4 - 9 4 - 9, तो आंसर हमारा गया -4, प्लस माइनस माइनस, 9 - 4 गया 5। ओके डी हमारा निकल गया दोस्तों, ए तो ऑलरेडी हमें पता है, ए इक्वल टू क्या हमारा 9 है, ए इक्वल टू क्या है 9, और हमें फाइन करना है 27 टर्म, क्या फाइन करना है 27 टर्म। तो दोस्तों फॉर्मूला वही है, टी एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके कौन सा टर्म, 27 टर्म्स, एंड ए कितना हमारा 9, एन मार्कर चलना बंद हो गया है, एन एन दोस्तों ये वाला ये जो वैल्यू होता है ये वही एन होता है 27 माइनस 1, और डी 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 डिफरेंस कितना है दोस्तों -5, डिफरेंस कितना है -5। तो दोस्तों 9 प्लस 27 माइनस 1 26। ओके अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले प्लस माइनस माइनस। ओके 6 5 30, 5 2 10, 5 2 10, 6 5 30, 5 2 10, 3 13। ओके दोस्तों अब प्लस माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा 121 और माइनस का साइन। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 27। तो लास्ट में लिख देना कि द 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग ए बी इज -121। तो दोस्तों यही सेम टू सेम एकदम सिंपल है दोस्तों, बस सबको देखो हमें फॉर्मूले के साथ डी चाहिए था, हमने डी माइनस किया, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म हमने लिख दिया, फिर सबकी वैल्यू पुट कर दी, और 20 ये एन की वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ एन रखा। तो इस तरह ये भी क्वेश्चन हमारा 5th क्वेश्चन हो गया, और इसके साथ ही ये हमारा ये वाला पार्ट आज यही खत्म करते हैं। अगला जो बाकी क्वेश्चंस बचे हैं हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।